वेलकम बैक टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स वेज पनीर की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। और ये सब्जी जो है हम बिना प्याज और लहसुन के बना रहे हैं, कम ऑयल में बना रहे हैं, तो बहुत ही हेल्दी टेस्टी वे से ये सब्जी हम आज बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी फुल डिटेल वीडियो की ये सब्जी किस तरह से बनाते हैं। वेज पनीर सब्जी बनाने के लिए पर गैस ऑन कर दिया है और आ देगी, तो प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पानी डालकर ये स्टैंड रख दिया है। इसमें हम ये प्रेशर कुकर का ही डिब्बा रख देंगे और इसमें मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज के 4 टमाटर जो है वो इस तरह से कट कर लिए है, ये डाल देंगे। 10 से 12 कैजूस डाल देंगे, 1 चम्मच तिल, व्हाइट वाले तिल डाल देंगे, 1 चम्मच खसखस डाल देंगे, 1 चम्मच तरबूज के खड़े मसाले यूज करने वाले हैं। तो खड़े मसालों में हम यहाँ पर 5 लौंग लेने वाले हैं, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, छोटी वाली 1 इलायची और बड़ी वाली 1 इलायची लेंगे, जावित्री आधी लेंगे और ये 1 स्टार फूल 1 लेंगे पूरा, और ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, ये सब मसाले हम इसमें डाल देंगे। 1 ग्लास पानी डालकर प्रेशर कुकर की लीड लगाकर 2 सीटियां लगा देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, थोड़े से हल्के से गुनगुने हैं ये। तो अब हम ये मिक्सी में डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आधी कटोरी फ्रेश क्रीम ले रही हूँ, आप घर की बनाई, घर की जो मलाई होती है दूध पर आती है वो भी ले सकते हैं, 1/2 कप। और हमें कितना तीखा पसंद है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर मिर्च यूज करनी है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, और ये सब मसाले डालकर हम ये अच्छे से महीन पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मसाले बहुत ही अच्छे से महीने से पीस लिए हैं। जैसे कि अब हमने इसमें खड़े गरम मसाले यूज किए हैं, तो इसलिए हम ये जो पेस्ट है इसे छानकर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें ये छन्नी रख दी है और जो हमने मसाला पीस लिया था वो इसमें डालकर इसे छान लेंगे और जो ऊपर का जो मसाले निकलेंगे वो हमें यूज नहीं करने हैं। तो हम इस तरह से ये मसाला छान लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें ये छान लेना है। तो अब हम ये मसाला जो है ये साइड में रख देंगे और मैंने यहाँ पर कौन कौन से वेजिटेबल्स लिए हैं वो देखिएगी ये सब्जी बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सभी जो सब्जियां है वो फ्रोजन ली है, फ्रोजन गाजर ली है, फ्रोजन फ्लावर लिया है और फ्रोजन ही मैंने यहाँ पर ग्रीन हरे मटर लिए है और पनीर लिया है 200 ग्राम। तो इस तरह से मैंने ये सब्जियां ली है। आपके पास जो सब्जियां अवेलेबल है वो सब्जियां ले सकते हैं। मेरे पास अभी कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए मैं ये फ्रोजन सब्जियां ही यूज कर रही हूँ। और ये सब्जी जो है हम बिना प्याज और लहसुन के कर रहे हैं। तो आप जब नवरात्रि स्टार्ट रहती है, नवरात्रि उत्सव शुरू होते हैं हमारे, उन दिनों में भी आप ये सब्जी बनाकर खा सकते हैं। जो मसाला हमने बना लिया है वो मसाला हम यूज करके कोई भी सब्जी, ये मसाले से हम कोई भी सब्जी जो है वो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस हमें इस तरह से ये मसाला बनाना है और ये मसाला जो है हम 7 से 8 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और इससे हम कोई भी सब्जी बना सकते हैं। तो अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होते ही हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, इसी के साथ 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे और इसी के साथ 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और मसाला हमें अच्छे से एक पैक कर लेना है। और इसमें मैंने 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च इस तरह से कट कर ली है, इसे बस हमें हल्का सा शैलो फ्राई करना है और उसके बाद हमने जो वेजिटेबल्स लिए है वो इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। ये एक स्टेप करने से क्या होती है, जिससे हम यहाँ पर हमने पहले शिमला मिर्च डाल दी है, तो शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सी पक भी जाती है और हल्का सा इसमें क्रंच भी रहता है, तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। तो यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने ये शिमला मिर्च जो है वो अच्छे से
शैलो फ्राई कर ली है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। एक मिनट तक ये वेजिटेबल्स भी हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। आप यहाँ पर फ्रेश जो वेजिटेबल्स है वो भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक मिनट तक सभी वेजिटेबल्स भी जो है अच्छे से पका लिए है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से एक सा कर लेना है। इसके बाद हमने जो मसाला बना लिया है वो पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और जितनी थिक ग्रेवी हमें यहाँ पर चाहिए तो उतना पानी हमें डाल लेना है। बस हमें याद ये रखना है कि हमें गर्म पानी इसमें ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी मैं ऐड करूंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने से पहले हमें याद रखना है कि हमने इससे पहले भी इसमें नमक डाला हुआ है, तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। और एक चम्मच कसूरी मेथी हम इस तरह से हाथों पर क्रश करके डाल देंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए हमें फुल फ्लेम पर पका लेना है। और बस हमारी ये सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी इजी वे से बिना प्याज और बिना लहसुन के कम ऑयल की ये सब्जी बनकर रेडी होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने ये सब्जी पका ली है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। हरा धनिया डाल देंगे, इसे एक साथ कर लेंगे और ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। वेज पनीर सब्जी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और झटपट से बनने वाली ऐसी ये रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही आसान वैसे ये सब्जी बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।